नमस्कार। क्या आपको पता है दुनिया के सात महापाप कौन से हैं और दुनिया के सात महापुण्य कौन से हैं? अगर आप इन सात महापाप और महापुण्य के बारे में जानोगे ना, ये है ना, हर धार्मिक ग्रंथ में लिखे हुए हैं, अधिकतर बाइबिल, गीता, कुरान और इस विश्व में जितने भी अधिकतर धर्म ग्रंथ हैं उसमें ये सात महापाप और सात महापुण्य लिखे हुए हैं। इंसानों को इन सात महापाप से दूर रहना चाहिए और ये सात महापुण्य करने चाहिए। आज वो सात महापुण्य और महापाप अपन जानेंगे। नंबर 1, लालच। सबसे पहले तो लालच आता है। इंसान को कभी भी जीवन में लालच नहीं करना होता है। अगर आप लालच करोगे ना तो ये महापाप में आता है। लालच से क्या होता है? लालच से आप अपना जीवन तो बर्बाद करते हो, साथ में सामने वाला का भी जीवन बर्बाद होता है। आप अपना लालच देखते हो और उस लालच में दूसरों का नुकसान जाता है तो आपको पता नहीं चलता है। इसे लालच जीवन में कभी मत रखना, ये महापाप की श्रेणी में आता है। सेकंड, क्रोध। क्रोध एक ऐसी चीज है ना जो आप करते तो दूसरे पे हो लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा, नुकसान सबसे ज्यादा, लॉस यू विल गेट, तुम प्राप्त करोगे। सामने वाला नुकसान का इतना, जब आप क्रोध करोगे ना तो सामने वालों को इतना नुकसान नहीं होगा जितना आपको होगा। क्रोध क्या करता है? आपको अपने आप को अंदर से ही अंदर से जलाता है। इसलिए जीवन में क्रोध कभी मत करना। क्रोध आए तो शांति से काम करना। थर्ड, आलस्य। जीवन में आलस्य को भी महापाप की श्रेणी में माना गया है। इंसान आलस्य में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, लेजीनेस में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है और जीवन भर कुछ काम नहीं कर पाता। कभी भी जीवन में आलस्य मत करना। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ डिफरेंट करना है तो आलस्य कभी मत करना। घमंड। फोर्थ, एरोगेंस। अगर आप में घमंड है ना तो आप मिट्टी में मिल जाओगे। घमंडी व्यक्ति इतिहास है इस दुनिया का। घमंडी व्यक्ति इस दुनिया में कुछ भी ज्यादा नहीं पा पाया है, वह वहीं का वहीं रह गया है। इसलिए घमंड कभी मत करना। ईर्ष्या, ज्वेलसी। अगर आप किसी दूसरों से जलोगे ना, ईर्ष्या क्या है? दूसरों से जलना, आपके ईर्ष्या करने से दूसरे का नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आप अंदर से अंदर ही अंदर दुखी रहोगे। तो ईर्ष्या एक ऐसी चीज है, ज्वेलसी एक ऐसी चीज है, सामने वाला का नुकसान कम, यू विल गेट लॉस मोर, आपका खुद का लॉस ज्यादा होगा। सिक्स, पेटूपन। कहते हैं ना कि पेटूपन भी बहुत ही बड़ा महापाप माना गया है। आप कहते हैं ना कि जीने के लिए खाया जाता है, खाने के लिए नहीं जिया जाता। उतना ही खाए कि जितना आपका पेट सहन कर सके। बहुत से लोग खाते रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, ये खाऊं ये खाऊं, बस उसको पेटूपन कहा जाता है और ये पेटूपन महापाप की श्रेणी में आती है। सेवन, कामुकता। अगर आप कामुकता रखेंगे ना, आप आपके मन में एक ऐसी गंदी भावना रखेंगे ना, तो उससे क्या होगा? उससे आपकी सोच खराब हो जाएगी और आप कुछ भी गलत कार्य कर सकते हो। इस दुनिया में अधिकतर गलत कार्य कैसे होते हैं? कामुकता की वजह से होते हैं। इसलिए कामुकता कभी मत रखना। ये होते हैं सात महापाप इस दुनिया के। अब देखिए सात महापुण्य कौन से हैं। नंबर 1, माफ करना। किसी की गलती हो जाए ना, अगर एक बार गलती हो और अनजाने में गलती हो तो उस इंसान को माफ कर देना। कहते हैं ना कि गलती करने वाले से बड़ा होता है माफ करने वाला। अगर आप किसी को माफ कर दोगे ना तो आपके मन को भी शांति मिलेगी और सामने वाले को भी शांति मिलेगी। अगर कोई गलती कर रहा है, अगर आप उसे माफ नहीं करोगे ना, तो आप भी मन ही मन में उसके प्रति ईर्ष्या की भावना रखोगे और मन ही मन उससे बदला लेने की रखोगे। आपको मन मन उधर ही जाएगा। इसलिए जितना हो सके माफ करना सीखे, यह सबसे बड़ा महापुण्य माना गया है। सेकंड, दया भावना।
जिस इंसान में, इस संसार में, इस वर्ल्ड में दया नहीं है ना, उसके मन में काइंडनेस नहीं है ना, वो इंसान, समझ लेना, वो इंसान कुछ भी काम का नहीं है। वो इंसान, बिना दया के इंसान इंसान नहीं होता है। इसलिए दया करना महापुण्य माना गया है। विनम्रता, पोलाइटनेस, अगर आपके जीवन में विनम्रता होगी ना, तो आपका कोई भी काम कभी भी नहीं रुकेगा। आप किसी भी फील्ड में होंगे, कहीं पे भी होंगे, आपका काम कहीं नहीं रुकेगा। जो विनम्र व्यक्ति होता है ना, उसका काम सबसे पहले होता है। फोर्थ, मेहनत। मेहनत को भी महापुण्य में माना गया है। इंसान जितनी ज़्यादा मेहनत करता है ना, उतना ज़्यादा आगे बढ़ता जाता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। अगर आपको टॉप पे पहुंचना है ना, तो आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। फिफ्थ, दान। दान को भी महापुण्य माना गया। दान कैसे करना चाहिए? अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इफ यू हैव कैपेबल, तो आपको दान देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको समर्थ बनाया है दान देने के लिए। लेकिन अगर आप समर्थ ना हो, तो भगवान कभी नहीं कहते कि दान देना चाहिए। समर्थ व्यक्ति को दान देना चाहिए। सिक्स, आत्मसंयम। जो इंसान, जो व्यक्ति आत्मसंयम रखता है ना, उसको भी महापुण्य माना गया। आत्मसंयम से क्या होता है? आत्मसंयम से इंसान कोई भी गलत कार्य नहीं करता। वो अपने मन को संयम रखता है। उसे पता है कि क्या गलत है और क्या अच्छा है, इसलिए वह कभी भी गलत कार्य करने से बचा रहता है। सेवन, विचारों की शुद्धता। विचारों की शुद्धता को भी महापुण्य माना गया है। अगर आपके माइंड में थॉट क्लियर रहेंगे, थॉट एकदम प्योर रहेंगे ना, तो आपका माइंड कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। आपका माइंड कभी भी गलत कार्य के लिए नहीं कहेगा। इसलिए विचारों की शुद्धता होनी बहुत जरूरी है, और यह भी एक महापुण्य में माना गया है।